जेल में गुर्गो संग दरबार लगाता था अशरफ, पीलीभीत से आती थी स्पेशल बिरयानी, पालतू बिल्ली का भी रखा जाता था ख्याल। पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ यूं तो उमेश पाल हत्याकांड में बरेली जेल से प्रयागराज जेल के चक्कर काट रहा है, मगर उसके लिए जेल किसी होटल से कम नहीं था। जेल के अंदर वो अपने गुर्गो संग दरबार लगाता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, अशरफ के खाने का भी बिल्कुल सेट इंतजाम था। यहाँ तक कि ऑन डिमांड उसके लिए पीलीभीत से स्पेशल बिरयानी मंगाई जाती थी। बता दें कि उमेश पाल मर्डर में अतीक का भाई अशरफ जेल में बंद है, लेकिन जेल में अपनी हुकूमत जो वो चला रहा था उसे लेकर अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर अधिकारियों पर गाज गिर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के भाई अशरफ को मदद पहुंचाने को लेकर नैनी जेल के वरिष्ठ जेल निरीक्षक शशिकांत सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले बांदा जेल के अधीक्षक अविनाश गौतम और बरेली सेंट्रल जेल के अधीक्षक राजीव शुक्ला को भी निलंबित किया जा चुका है। इन तीन निलंबित जेल अधीक्षकों पर लापरवाही बरतने का और अशरफ को ढिलाई देने का आरोप है। इसके अलावा बरेली जेल मामले में 5 अधिकारी पहले से ही सस्पेंड चल रहे हैं। अशरफ का जेल में जलवा ऐसा था कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। न केवल उसके लिए खाने का स्पेशल इंतजाम होता था, बल्कि उसकी पालतू बिल्ली के भी जेल में ठाट थे। माफिया का रसूख इस कदर हावी था कि किसी जेल कर्मी की हिम्मत नहीं थी कि इसमें टोका टोकी करे। अशरफ इस खातिरदारी के लिए जेल के प्रमुख जिम्मेदारों को हर महीने नजराना भेजता था। बंदियों के लिए भी कभी कभी दावत का इंतजाम किया जाता था, और जेल के अंदर नवरात्र में फलाहार तो रमजान में इफ्तार का भी प्रबंध अशरफ की ओर से ही कराया जाता था। अशरफ के लिए लाई गई खास बिरयानी खुद जेल अधीक्षक की देखरेख में उसके बैरक तक पहुंचाई जाती थी। जेल की कैंटीन में भी चिकन, मटन और अंडे की करी बनाई जाती थी। यहाँ तक कि उसकी बिल्ली के खाने के लिए भी बिस्किट, ब्रेड और दूध आता था। अशरफ की खातिरदारी के लिए जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला ने सारे कायदे कानून ताक पर रख दिए थे। प्रभारी डीआईजी जेल आरएन पांडे ने जांच के बाद अब इसकी रिपोर्ट डीजी जेल को भेजी थी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में जेल के शीर्ष अफसरों से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों तक का नाम है जिन्हें दोषी माना गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। घूम जाना।